इस तरीके से जहां जहां प्रॉपर नाउन होगा उसे हम क्या करना है कैपिटल लेटर में लिखने हैं। तो जिस तरीके से क्वेश्चन नंबर 1 बताया है उसी तरीके से आपको बाकी क्वेश्चंस करने हैं। हम क्वेश्चन नंबर 2 में जो प्रॉपर नाउन होगा उसी को लिखेंगे, आप उसे बुक में रिराइट कर लेंगे। जैसे क्वेश्चन नंबर 2 लिखा हुआ है मैं रीड टू कॉमिक्स एंड गिव द बुक्स टू रीडर श्वेता। इसमें प्रॉपर नाउन क्या है यानी इसे किसे आपको कैपिटल करना है। सबसे पहले मैं उसके बाद टू कॉमिक्स एंड गिव द बुक सिंड्रेला सिंड्रेला की एक पार्टनर बुक का नाम है। इस वजह से क्या होगा प्रॉपर नाउन होगा और उसके बाद श्वेता लड़की का नाम लिखिए क्या होगा। तो आपको पूरा सेंटेंस चेंज रिराइट करना है, बस जो जो हम यहाँ पर लिखे हैं उस वर्ड को आपको क्या करना है कैपिटल करते हैं। थर्ड वाला जिस तरीके से पहले लिखा है उसी तरीके से आपको लिखना है। इस क्वेश्चन नंबर 2 में हम केवल वही लिखे हैं जिसमें आपको चेंजेस करने हैं, बाकी सारा प्रोसेस आप इसी तरीके से करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 में लिखा हुआ है द प्लेयर्स स्टेट एट मौर्य होटल। देखो एक स्पेशल होटल की बात हो रही है, किसकी मौर्य होटल। मौर्य क्या होगा हमारा प्रॉपर नाम होगा। उसके बाद क्या है एट इन दिल्ली, दिल्ली एक पार्टनर सिटी के नाम से क्या है प्रॉपर नाम है। फोर्थ की तरफ बढ़ते हैं, फोर्थ में लिखा हुआ है माय बेस्ट फ्रेंड मोना। मेरे सबसे अच्छे दोस्त कौन है मोना। तो मोना क्या है हमारा एक प्रॉपर नाम है। इस वजह से इसमें करना है कैप्टन करना है। हु कम्स फ्रॉम नेपाल, नेपाल एक देश का नाम है, पर्टिकुलर देश का नाम है। इस वजह से क्या होगा कैप्टन होगा। तो दो चेंजेस इसमें फोर्थ में करना है। फिफ्थ की तरफ बढ़ते हैं, फिफ्थ में लिखा हुआ है डिसम्बर। हम जानते हैं किसी भी मंथ के नाम को मंथ का नाम जो होता है वो प्रॉपर नाम होता है और उसे हम किसमें लिखेंगे कैपिटल। दिसंबर हमारा किसमें होगा कैपिटल में लिखा जाएगा पहले लेटर। दिसंबर द स्कूल बेल क्लोज फॉर द विंटर ब्रेक, केवल इसमें एक ही प्रॉपर नाम होता है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 में लिखा हुआ है रूबी इज रीडिंग द स्टोरी ऑफ सिम्बा। इससे देखो एक लड़की है जिसका नाम है रूबी, ये प्रॉपर नाम था इसमें चेंज कर देंगे आपको। उसके बाद रीडिंग इज रीडिंग द स्टोरी ऑफ सिम्बा, सिम्बा किस प्लेस का नाम है इस तरह से प्रॉपर नाम होगा। सेवन की तरफ बढ़ते हैं द इंडियंस, इंडियंस का मतलब क्या भारतीय लोगों की बात हो रही है। इंडियंस में आज क्या होगा कैपिटल आर वेरी गुड क्रिकेट प्लेयर। ये सेवन पर एट पर आपको खुद अपने से करना है आपके लिए होगा उसको देखते हैं कर पा जाएंगे। इस तरीके से आप एक्सरसाइज डी कर लेंगे। अब हम आते हैं एक्सरसाइज सी की तरफ। एक्सरसाइज सी में देखते हैं क्या लिखा हुआ है। एक्सरसाइज सी में लिखा हुआ है रीड द फॉलोइंग पैसेज। नीचे जो ऊपर पैसेज दिया हो उसे हमें क्या करना है रीड करना है। पंचायत कॉमन नाउन, इसमें कॉमन नाउन है एंड प्रॉपर नाउन और प्रॉपर नाउन की पुट अस इन द बॉक्स आफ्टर ए कॉमन नाउन। जहां भी कॉमन नाउन होगा
जो वर्ड पढ़ने पर हमें कॉमन नाम लगेगा उसके सामने हमें सी लिख देना है और जो हमें प्रॉपर नाम लगेगा उसके सामने क्या लिखना है पी लिखना है। आइए पैसेज को स्टार्ट करते हैं पढ़ना और देखते हैं। सबसे पहले मिस्टर कुमार क्या है, ये एक प्रॉपर नाम है, सेंटेंस के सामने क्या लिखेंगे सी लिव्स इन लखनऊ भी एक कॉमन सॉरी मिस्टर कुमार एक प्रॉपर नाम है क्योंकि एक पार्टिकुलर पर्सन का नाम है, इस वजह से इसके सामने क्या लिखेंगे मिस्टर कुमार के सामने पी लिखेंगे। उसके बाद लखनऊ भी एक पार्टिकुलर सिटी का नाम है, इस वजह से एक क्या है प्रॉपर नाम है, लखनऊ के सामने भी क्या लिखा जाए करती है। इन अधिक बंगलोर नियर द स्टेडियम एक कॉमन नाम है, उसके सामने सी लिखेंगे। ही हैज थ्री रेडिट्स, रेडिट्स के सेंटेंस की बात करें कुछ क्लियर नहीं, इस वजह से क्या है कॉमन है सी लिखेंगे। कैट ये भी कॉमन है सी लिखेंगे। एंड पपी, पपी भी कॉमन नाउन है, इस वजह से सामने क्या लिखेंगे सी लिखेंगे। आगे देखते हैं एवरी डे, हर रोज एक डेज से घूमने में जाते हैं तो पार्क में ले जाते हैं, किस पार्क में कोई क्लियर नहीं, इस वजह से क्या है पार्क कॉमन नाउन है। ही आल्सो लाइक्स टू ट्रैवल, वो पसंद करते हैं ट्रैवल करना टू डिफरेंट सिटीज, अलग अलग शहरों में ट्रैवल करना पसंद करते हैं। सिटीज यहाँ पर आया हुआ है, सिटीज कौन से शहर कोई क्लियर नहीं, इस वजह से ये क्या है कॉमन नाउन है, सिटीज कॉमन नाउन हो जाएगा। एंड टाउन्स भी हमारा क्या है कॉमन नाउन। लास्ट दिवाली, ये तो ये फेस्टिवल का नाम है, फेस्टिवल का नाम क्या होता है ऐसा प्रॉपर नाम, इस वजह से दिवाली के सामने पी लगा देते हैं। ही वेंट टू नैनीताल, नैनीताल एक प्लेस है पार्टिकुलर प्लेस का नाम, इस वजह से नैनीताल क्या होगा प्रॉपर नाम होगा। एंड सो द टिफिन टॉप भी क्या है एक प्रॉपर नाम है, इस वजह से सामने पी। एंजॉय कुमाऊनी फूड, इसमें एक स्पेशल फूड की बात हो रही है, इस वजह से पार्टिकुलर फूड की बात हो रही है प्रॉपर नाम। रेस्टोरेंट, किस रेस्टोरेंट में कोई किया गया, इस वजह से रेस्टोरेंट क्या होगा सी यानी कॉमन नाम होगा। द क्रिसमस, एक पार्टिकुलर फेस्टिवल की बात हो रही है, क्या होगा पार्टिकुलर फेस्टिवल ई होगा। एक प्लान फूड कन्याकुमारी, कन्याकुमारी देखो एक ये प्लेस है, स्पेशल प्लेस का नाम है, इस वजह से क्या होगा प्रॉपर नाम होगा। विवेकानंद रॉक्स मेमोरियल, विवेकानंद रॉक्स मेमोरियल ये एक पार्ट का प्लेस है, तो ये भी क्या होगा हमारा प्रॉपर नाम की कैटेगरी में आएगा। उसके बाद एक्सरसाइज हमारे डी है, एक्सरसाइज डी ये आपके लिए होमवर्क होगी, इसलिए क्या करना है आपको द पर्सन हु रोट द फॉलोइंग लेटर डू नॉट नो वेयर टू लेट एंड हैज पुट देम इन ऑल द रॉन्ग प्लेसेस। Can character address you may use and thus you can write the letter in the platform. देखो ये एक लेटर लिखा हुआ है, इस लेटर से एक पर्सन ने लिखा, उसे पता नहीं है कि कैरेक्टर लेटर को कहाँ पर पुट अप करना है, तो गलत प्लेस पर कैरेक्टर लेटर को पुट कर दिया है, इस वजह से क्या करना है इस लेटर को क्या रिराइट करना है, रिराइट करके जहाँ जहाँ गलत कैरेक्टर लेटर पुट किया उसे क्या करना है स्मॉल कैरेक्टर लेटर में करना है। इसे आपको एक शीट पर करना पड़ेगा या आप कॉपी कर सकते हैं, जैसे इसमें हेलो साक्षी, तो जब भी हम किसी भी सेंटेंस की स्टार्टिंग करते हैं हमें पता है सबसे पहला लेटर जो होता है वो क्या होता है कैपिटल होता है, इस वजह से एच क्या होगा कैपिटल होगा। हेलो साक्षी ये भी क्या है एक प्रॉपर नाम है क्योंकि एक पार्टिकुलर पर्सन का नाम है, साक्षी का एच क्या होगा कैपिटल होगा। आई होप यू ऑल यू आर वेल, देखो आर में ए जबरदस्ती का कैपिटल हुआ है, यहाँ पर आर को क्या कर दिया आर में एक कैपिटल किया है, तो एक क्या करना है स्मॉल करना है। इसी तरीके से नेक्स्ट सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है वी आर स्पेंडिंग, तो इसमें वी में डब्ल्यू क्या करना है आपको कैपिटल, क्योंकि सेंटेंस की स्टार्ट करने से कैपिटल लेटर, इस तरीके से आपको पूरे लेटर को क्या करना है डिराइव करना है, यानी जहाँ पर कैपिटल लेटर्स आते हैं वहाँ पर कैपिटल लेटर का इस्तेमाल करना है और जहाँ पर स्मॉल लेटर को यूज होता है वहाँ पर आपको स्मॉल लेटर का यूज करना है। आप इसके बारे में पढ़ सकेंगे, बात करने में मदद करते हैं। ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हुआ और अगले क्लास में हम नए चैप्टर से स्टार्ट करेंगे। स्वागत है।